टाइम दादर और प्रभादेवी, ये शिवसेना का गढ़ है, शिवसेना की स्थापना यहाँ पे हुई है और शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी का स्मृति स्थल भी यहाँ पे ही है, तो शिवसेना के लिए ये बहुत ही प्रेस्टीजियस और इमोशनल जगह है और यहाँ पे हर बार शिवसेना को भारी लीड मिली है और इस बार भी उससे ज़्यादा लीड मिलेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। धारावी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ पुनर्वसन हम करके दिखाएंगे, धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलेगा और सभी का पुनर्वसन धारावी में होगा। धन्यवाद। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाच्या त्याच पदावर हॅट्रिक करण्यासाठी देशातल्या सर्व मतदारांनी एक निश्चय केलेला आहे आणि त्याचा अनुभव हा आपल्याला माहीम विधानसभा मतदारसंघात दिसतो आहे। आजची ही रॅली ही फक्त माहीम विधानसभा मतदारक्षेत्रापुरती आणि एका महानगरपालिका वॉर्डपुरती मर्यादित असूनसुद्धा प्रचंड मोठी गर्दी आणि जनसमुदाय हा या रॅलीमध्ये सहभागी होताना दिसतोय। आजच या भागातले खासदार राहुल शेवाळे निवडून आले अशा प्रकारचे चित्र संपूर्ण या लोकसभा मतदारसंघात आहे। एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावरती विश्वास ठेवून संपूर्ण महाराष्ट्रभर जी कामं केलेली आहेत मुख्यमंत्र्यांनी, या कामांना पोचपावती देण्यासाठी जनता वाट बघते निवडणुकीच्या दिवसाची आणि त्या दिवशी दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणजेच राज्य सरकारने केलेल्या कामाची पोचपावती देण्यासाठी जनता रस्त्यावर उतरेल, मतदान करेल आणि मोदी साहेबांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनवेल अशा प्रकारचा एक विश्वास आहे। हॅट्रिक झालीच असं समजा आणि तशाच प्रकारचं वातावरण हे संपूर्ण मतदारसंघात आहे। सर्वसामान्यांमधला एक तरुण खासदार म्हणून राहुल शेवाळ्यांकडे बघितलं जातं, त्या उलट समोरचा उमेदवार हा कधी लोकांनी पाहिलेला नाही, कार्यालयामध्ये बसून फोनवर काम करणारा आणि दुसऱ्या बाजूने लोकांमध्ये उतरून काम करणारा अशा प्रकारची लढत आहे। एका बाजूला नरेंद्र मोदीजी आणि दुसऱ्या बाजूला उमेदवारच नाही पंतप्रधान पदाचा, अशा प्रकारची आजची निवडणुकीची एकंदरीत स्थिती आहे आणि त्यामुळे ज्या ठिकाणी खंबीर नेतृत्व आहे त्याच नेतृत्वाला जनता निवडेल अशा प्रकारचा एक विश्वास आहे। आरपीआयचा नेता केंद्रीय सामाजिक न्यायमध्ये रामदासजी आठवले साहेब इन्होंने जो कहा है कि महायुति आघाड़ी को सपोर्ट करने का, तो यहाँ के आघाड़ी के हमारे उम्मीदवार राहुल शेवाळे जी है, दो बार चुन के आए हैं और तीसरी टाइम मतलब हैट्रिक है। हमारे अभी आमदार सरोनकर साहब ने बताया कि जीते हैं, खाली वो प्रचार अभी सुनना ही बाकी है। राहुल शेवाळे ऐसा एक काम करने वाला एक तरुण तड़पदार ऐसा कार्यकर्ता है कि लोगों में जाने के लिए एक्चुअली ऐसी बात है कि जो अभी के जो उम्मीदवार है जो उम्मीदवार अभी जो ऑफिस में बैठ के काम करने वाला है, राहुल शेवाळे भी रस्ते में उतर में काम करने वाला है। इसके लिए लोगों का कहना है कि बाबा ये महायुति की तरफ से आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो गढ़ है हमारा, हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर के मूवमेंट के लोग है, वो सब लोग राहुल शेवाळे को सपोर्ट कर रहे हैं और दक्षिण मध्य मुंबई जिले में धारावी आते हैं, माहिम आते हैं, वडाला आता है, साइन कोलोड़ा आता है, शंभू अनुशक्ति नगर, बड़े पैमाने पे आरबीआई की मत है। वो राहुल शेवाळे के बारे में, राहुल शेवाळे खासदार जी स्थानिक है, धारावी पहले रहते अभी अनुशक्ति नगर में रहते, तो उनके लिए आठवले साहब ने जो चुना है, आठवले साहब ने बताया कि उनको ही आपने आरबीआई से मतदान करने का महायुति की आघाड़ी की तरफ से। तो मोदी साहब अभी तीसरे बार उनका भी टर्न है, उनका भी हैट्रिक है मोदी साहब का 400 पार करके, तो उनके लिए भी आठवले साहब ने पूरे महाराष्ट्र में देश में प्रचार में उतरे आरबीआई। राहुल शेवाळे जी आएंगे क्योंकि वो अभी उनका हैट्रिक करना है और मोदी जी के समर्थन के लिए राहुल शेवाळे जी आएंगे। ऐसे
राहुल शेवाळे जी है ऐसे देखने जाएंगे तो सामान्य के नेते हैं, सब में मिक्स होते हैं, सबके साथ चलते हैं, तो हर एक आदमी को लगता है, हर एक इंसान को लगता है, हर एक ताई को लगता है ये अपना नेता है। जनता को क्या कहेंगे मैम, इस बार लोकसभा चुनाव में किसे वोट देना चाहिए? इस बार तो अभी यहाँ पे तो राहुल शेवाळे जी खड़े हैं तो धनुष बाण को ही वोट देना चाहिए। राहुल शेवाळे आज दोन वेळा खासदारकी निवडून आलेले आहेत आणि आता तिसऱ्या वेळा त्यांना नक्कीच निवडून आणायचं आहे आणि आमची महायुती आहे एकदम म्हणजे ते आवडते खासदार आहेत लोकांचे आणि तळागाळाच्या लोकांपासून त्यांचे चांगले संबंध आहेत, त्यामुळे राहुल शेवाळे देतील। आम्ही सुद्धा जरी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते असलो तरी आम्ही त्यांची धनुष्यबाण ह्या निशाणीचे आम्ही त्यांचं प्रचार करत आहोत आणि ते नक्कीच येतील निवडून आणि आम्हाला आमची अशी काही कुठल्या पक्षाबरोबर वगैरे येणार, आम्हाला मोदींना पुन्हा पंतप्रधान म्हणून निवडून आणायचं आहे। हो, आम्ही महायुती सोबत आहोत। हम यहाँ पे महायुति के उम्मीदवार जो है राहुल शेवाळे जी उनके समर्थन में आए हैं। वो काम करते हैं लोगों का, काम करने वाला आम आदमी में बैठने वाले इंसान है वो, इसलिए हम उन्हें समर्थन देते हैं।